हाय गाइस, आज का वीडियो है गूगल एडवर्ड्स के ऊपर कि आप गूगल एडवर्ड्स की हेल्प से अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं या नहीं। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये चैनल तो फिटनेस का है, फिर ये गूगल एडवर्ड्स के ऊपर वीडियो क्यों बना रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहता था और उसकी ग्रोथ बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने यूट्यूब के अंदर बहुत रिसर्च की। 200-250-300 वीडियो तो देखे ही होंगे। अब मैंने इतने सारे वीडियो देखे, लेकिन हर वीडियो के अंदर किसी के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है, किसी के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कोई भी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। बहुत मुश्किल से एक दो वीडियो होंगे जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, और मैक्सिमम तो 70% वीडियोस तो क्लिक बेट ही होती हैं, आपको भी पता है। तो गाइज, मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर सारी डिटेल्स दे दी जाए, मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने हासिल करी है वो सारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी तरह बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होंगे जिनको अपना चैनल ग्रो करना होगा और मोनेटाइज करना होगा, और शायद बहुत सारे हेल्पलेस भी फील कर रहे होंगे। तो उन लोगों के लिए यह वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको गूगल में एड कैसे क्रिएट करते हैं, उसका मैक्सिमम CPV क्या रखना है, उसको कैसे अप डाउन करते हैं, और कम पैसे में, मैक्सिमम CPV का मतलब यही है कि आप मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू, यानी कि आप कितना मैक्सिमम पे कर सकते हैं एक व्यू पाने के लिए, तो उसको कैसे सेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मतलब मिनिमम पैसे में मैक्सिमम व्यूज आप कैसे ले सकते हैं, तो ये डिटेल भी मैं आपको दूंगा। और फिर मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि गूगल एड्स से आप कैसे हेल्प ले सकते हैं मोनिटाइजेशन के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गूगल में एड प्लेस करने से आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा, क्योंकि गूगल के टर्म्स है कि कोई भी प्राइवेट वीडियो, अनलिस्टेड वीडियो, डिलीटेड वीडियो या फिर कोई भी ट्रू व्यू कैंपेन, वीडियोस के व्यूज काउंट नहीं होते। तो ट्रू व्यू कैंपेन्स यही गूगल एडवर्ड्स की वीडियोस के लिए बोला जाता है। तो गाइज, अब आप बोलेंगे कि भाई वो अगर 4000 घंटे में काउंट ही नहीं होंगे उसके व्यूज, उसका वॉच टाइम काउंट ही नहीं होगा, तो फिर फायदा क्या है, मतलब गूगल में एड्स प्लेस करने का फायदा क्या है। तो फायदा जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप उसके लिए पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले गूगल में एड कैसे प्लेस करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आइए गूगल में एड प्लेस करना सीखते हैं। तो गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि एड्स कैसे क्रिएट किए जाएं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप ये YouTube स्टूडियो के अंदर जाकर ये 3 डॉट पे क्लिक कर कभी भी प्रमोट मत करना, क्योंकि इससे आपको सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे और आप अच्छे से प्रमोशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आप सबसे पहले गूगल एड्स में जाइए। गूगल एड्स आप जब सर्च करेंगे तो पहला जो लिंक आएगा वही गूगल एडवर्ड्स का होगा। गूगल एड्स आप खोलेंगे, अकाउंट है तो लॉगिन कर लीजिए, वरना अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अब आपने इसमें लॉगिन किया, तो ये देखिए लॉगिन हो गया है। अब आपके पास 3 ऑप्शन इसके अंदर समझने वाले हैं, कैंपेन्स, एड ग्रुप्स और एड एक्सटेंशंस, ठीक है। ये आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि आप तीनों क्यों आपके लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहले कैंपेन्स में आप प्लस पे क्लिक कीजिए और नया कैंपेन क्रिएट कीजिए। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, वीडियो में जाइए, इन्फ्लुएंस कंसिडरेशन कंटिन्यू कीजिए। अब यहाँ पर कैंपेन, जो मैंने आपको सबसे पहला ऑप्शन बताया था कैंपेन वाला, उसका नाम आपको क्या रखना है, तो आप कुछ भी रख लीजिए। जैसे आप, मैंने रख दिया मेरा फर्स्ट है तो फर्स्ट वन रख दिया मैंने, ठीक है। अब बिडिंग स्ट्रेटजी की बात कर ली जाए, मैक्सिमम CPV ये क्या होता है, मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू, मतलब कितना पैसा आप देना चाहते हैं एक व्यू का। तो आप इसमें और कोई सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, तो इसी को ही रहने दीजिए। अब नीचे आइए, कैंपेन टोटल में आप देखेंगे आपको अपना टोटल बजट बताना है कि भाई कितना बजट आप स्पेंड करेंगे इस टोटल कैंपेन का, और कितने दिन आपको चलाना है वो स्टार्ट और एंड डेट डिसाइड करेगा। जनरली मैं डेली कैंपेन में जाता हूँ कि भाई डेली मैं इतने से इतना पैसा खर्च कर सकता हूँ, 300 रुपये मैंने इस पर खर्च करने हैं सपोज कीजिए। फिर मैं नीचे आऊँगा, नेटवर्क्स के अंदर आप सेलेक्ट कर लीजिए, 3 ऑप्शन है, यूट्यूब सर्च रिजल्ट, यूट्यूब वीडियोज़ और वीडियो पार्टनर्स। यूट्यूब सर्च रिजल्ट क्या है, सर्च रिजल्ट जो आपको, आप जब सर्च करते हो कोई भी चीज़ तो शुरू में 1-2 लिंक आते हैं, वो एड्स के होते हैं जनरली। उसमें साइड में आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे येलो कलर का एड्स लिखा रहता है, तो वो जनरली यही सारे एड्स होते हैं, प्रमोशन वाले या कहीं और से भी किए हों तो वो सब एड्स होते हैं, ठीक है। अब आइए यूट्यूब वीडियोस, एड्स कैन अपियर ऑन यूट्यूब वीडियोस। यूट्यूब वीडियोस में क्या, जो स्कीपेबल एड्स होते हैं, आपने देखा होगा वीडियो चलाते हो तो शुरू में एक वीडियो चलता है,
जो आप स्किप कर सकते हैं वो है YouTube वीडियोस, उसको हम लोग बोलते हैं इन स्ट्रीम एड्स, ठीक है। चैनल पेजेस और YouTube होम पे। चैनल पेजेस, आप कोई भी चैनल में किसी का वीडियो देख रहे हो तो उसके राइट में सजेस्टेड वीडियो के ऊपर एक और एक छोटा सा वीडियो रहता है सेम सजेस्टेड वीडियो जैसा ही, और उसमें एड्स लिखा रहता है, वो ये वाला ऐड है। यूट्यूब होम पेज, होम पेज के अंदर आपको क्या ऐड मिल रहा है, जब आप यूट्यूब खोलते हो तो सबसे पहली स्क्रीन में आप देखते होंगे कई सारे आपको वीडियोस दिखाई देते हैं, उसमें कई कई सारे जो होते हैं वो एड्स भी होते हैं। अब यू कैन, ये ठीक है, वीडियो पार्टनर्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क। हाँ, तो ये है इसके यूट्यूब के जो डिस्प्ले पार्टनर्स है, गूगल के जो डिस्प्ले पार्टनर्स है वहाँ पर आपकी ऐड दिखेगी। तो ये वाला सेक्शन सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए और लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे आप लैंग्वेज डाल सकते हैं, आपको कौन सी ऑडियंस जनरेट करनी है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे लैंग्वेज एंटर कर दीजिए, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए। मैं कोई लैंग्वेज नहीं है तो ऑल लैंग्वेजेस ही रहने दीजिए। लोकेशन, अब लोकेशन में आइए, लोकेशन में आप एंटर कर सकते हैं वो लोकेशन जहाँ पे आपको टारगेट करना है, अपनी ऑडियंस टारगेट करनी है। तो आप इधर आइए, ये लोकेशन में आप आ गए। यहाँ पे मैं जनरली एंटर लोकेशन जो करता हूँ वो सब वही कंट्रीज करता हूँ जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, जैसे इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान म्यांमार हो गया, और पाकिस्तान हो गया, और बांग्लादेश वगैरह, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है। मैं जनरली ये सारी छोटी कंट्रीज़ इसलिए करता हूँ ताकि CPV मुझे कम मिल सके, कॉस्ट पर व्यू, मतलब कम पैसे में ज़्यादा व्यू मिल सके और मेरा रीच भी बढ़ जाए। और इंडिया मैं इसलिए टारगेट करता हूँ क्योंकि इंडिया की ऑडियंस कैप्चर करती हैं, दैट्स इट। आप भी अपने अकॉर्डिंग उसको आप टारगेट कीजिए, ये सब आपको छेड़ना नहीं है। अगर आपके में कुछ है, मतलब बोल्ड कंटेंट है या फिर आपका पेरेंटल गाइडलाइंस के साथ है वीडियो, तो उन सब केसेस में आपको ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। एडिशनल सेटिंग्स में आइए, ये आपको छेड़ना नहीं है। कन्वर्जन्स, डिवाइसेस में जाइए, डिवाइसेस में सेट स्पेसिफिक टारगेट डिवाइस कीजिए और टीवी स्क्रीन हटा दीजिए, क्योंकि टीवी पे आपको ऐड अपना चलाना नहीं है तो कोई काम का नहीं है। फ्रीक्वेंसी कैपिंग की जरूरत नहीं है, ऐड शेड्यूल ऑल डे रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता दूसरी कंट्री का टाइम क्या है, तो पूरा दिन चलेगा तो आपके लिए भी अच्छा है। और आपको चेंज करना है, कोई स्पेसिफिक टाइम चाहिए कि आप जब उठे हों तभी आप करो, तो वो आप सेट कर लीजिए इसमें। अब ऐड ग्रुप नेम, जो सेकेंड ऑप्शन मैंने मेन स्क्रीन में बताया था वो ये है, ऐड ग्रुप नेम, जो आपका नाम वहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब आ जाइए, इसमें भी मैं फर्स्ट वन ही रख देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मैंने क्या कैंपेन किया है। आप अपने हिसाब से रखिए जो आपको सूटेबल लगे। डेमोग्राफिक्स में आइए, यहाँ पे आप एज वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं। मेरी ऑडियंस जनरली फिटनेस वाली है तो मैं ये सारे ऑप्शन हटा दूंगा, सिर्फ 44 एज तक रखूंगा, बाकी ये सब मैटर नहीं करता। पेरेंटल स्टेटस, इनकम मैटर नहीं करती फिटनेस के लिए, तो मैं वो सब रखूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो ये सब चीज़ें मैटर करेंगी। अब ऑडियंस में आप जाके, आप ऑडियंस मैनेजर के अंदर जाके अपनी ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो ऑडियंस यहाँ पे आ जाएगी, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपको यहीं पे ऑडियंस बनानी है तो वो भी कर सकते हैं, ये सब ब्राउज करके, तो उन्हीं लोगों को आपका वीडियो दिखाई देगा। अब आ जाइए कीवर्ड्स, कीवर्ड्स कैसे सेलेक्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे सपोज कीजिए, मुझे भाई ये मोटिवेशन वाला अपना वीडियो प्रमोट करना है, तो मैं गेट शेयरेबल लिंक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे आके मैं ये एंटर कर दूँगा। अब मैंने ये एंटर किया तो मुझे इससे रिलेटेड ये कीवर्ड मिल गए, तो मैं देखूँगा मेरे वीडियो से कौन कौन से मिलते जुलते कीवर्ड हैं, मतलब जो उसको सपोर्ट करें, जिसमें मेरा वीडियो दिखे तो लोग एटलीस्ट उसको वॉच करें। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, YouTube वीडियो फ्रॉम, हाँ ठीक है YouTube वीडियो है तो मैं ये डाल दूँगा, रेलेवेंस के अकॉर्डिंग, और फाइंड YouTube वीडियो भी है तो मैं इसको भी डाल दूँगा। अब एक दूसरा तरीका और है, यहाँ पे आप एंटर कीजिए जो भी कीवर्ड आपको डालना है और एंटर दबाएंगे तो ऐसे ही करके आ जाएगा, उसको भी आप डाल सकते हैं। अब टूल्स एंड सेटिंग्स में मैं बताता हूँ एक और, कीवर्ड प्लानर। अब कीवर्ड प्लानर में जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपकी ऑडियंस को नैरो करने की और मैक्सिमम व्यूज कैप्चर करने की मिनिमम इम्प्रेशन पे। अब आ जाइए मोटिवेशनल वीडियो, क्योंकि मेरा मोटिवेशन पे बेस्ड है तो मैं मोटिवेशनल फिल्म डालूंगा, और फिर मैं यहाँ पे गेट रिजल्ट्स करूँगा। गेट रिजल्ट्स करने के बाद मुझे ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो ये 590 मैक्सिमम है नहीं, फिल्म्स है ये मेरे को सूट नहीं करता, 14,800 इसमें एवरेज मंथली सर्चेज आ रहे हैं, तो मैं इसको उठा लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ऐसे ही मैं यहाँ से 3-4 कीवर्ड और उठाऊंगा।
अब देखिए यहाँ पे आपकी सर्च को ब्रॉड करने का भी ऑप्शन आ रहा है, मतलब और कीवर्ड ये आपको दे रहा है। तो मैंने जैसे मोटिवेशनल डाल दिया इसमें, अब मैं फिर से गेट रिजल्ट्स करूँगा तो मेरे पास और ऑप्शन आ गए। ऐसे करके आप कितने भी कीवर्ड उसमें एंटर करके गेट रिजल्ट्स कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से कीवर्ड कैसे सेलेक्ट करना है। एक तो आपको एवरेज मंथली सर्चेज देखना है, दूसरा देखना है जिसका बिड लो। तो ये तो हाई हो गया, ये लो हो गया। अब देखिए इसका 0.07 पैसा है, तो ऑब्वियसली मुझे मुझे बहुत ज़्यादा चीप पड़ेगा ये। और इसमें 49,500 व्यूज़ भी, वो एवरेज मंथली सर्चेस भी हैं, तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ऊपर से मोटिवेशनल थॉट्स इन हिंदी। तो मेरे वीडियो के अंदर बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स भी हैं जो मैंने खुद लिखे हैं, तो मेरे कंटेंट से ये मैच भी कर रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ध्यान रखिए कीवर्ड वही सेलेक्ट करना है जो आपके कंटेंट से मैच हो। ऐसे करके आप 8-10 कीवर्ड वहाँ से उठाइए, गूगल में भी आपको सर्च करना है वहाँ से भी कीवर्ड्स निकालिए, और ऐसे 10 के आसपास कीवर्ड आप इसमें डाल दीजिए जिससे आपका सर्च जो है थोड़ा नैरो हो जाएगा। अब आ जाइए टॉपिक्स पे। टॉपिक्स में आपको बताना है कि आपका वीडियो कहाँ कहाँ पे चलना चाहिए। तो मेरा वीडियो आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट का ही है, तो आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में चलेगा। फिटनेस रिलेटेड है, मोटिवेशनल है, उसमें मैंने वर्कआउट का भी दिया है, तो हेल्थ भी है, हेल्थ से रिलेटेड भी है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए तो और नैरो हो जाएगा सर। देखिए 10 बिलियन था, अभी 8.3 बिलियन हो गया है। अब प्लेसमेंट, आपका ऐड कहाँ कहाँ पे आपको चलाना है, तो ये भी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बहुत स्पेसिफिक टारगेटिंग है कि भाई आप चाहते हैं कि आपका किसी के यूट्यूब चैनल में चले, कोई चैनल आपको पसंद है सपोज कीजिए, और आपको चाहिए कि मेरा वीडियो तो भाई उसी चैनल में चलना चाहिए, और आपको लगता है कि उसमें चलेगा तो आपके व्यूज़ आएंगे, तो उस चैनल का लिंक यहाँ पे दे दीजिए। जैसे मैंने ये क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे मैं लिंक डालता जाऊँगा तो लिंक ऐड होते जाएंगे। जितने लिंक आपको डालने उतने लिंक डाल दीजिए, फिर क्या होगा आपकी ऐड बस उन्हीं चैनल्स पर रन करेगी, उन्हीं के जब कोई वीडियो चलाएगा तो सजेस्टेड वीडियोज़ में आपका वीडियो आएगा। वीडियो लाइनअप्स हो गया, कौन कौन सी वीडियो में आपको डालना है वो हो गया, इनस्ट्रीम एड्स के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल एनी प्लेसमेंट ही रखता हूँ मैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है सर्च। अभी मैक्सिमम सीपीवी की बात आती है कि भाई आपको कितना सीपीवी रखना है। तो इनिशियली आपको सिर्फ 25 पैसा रखना है, क्योंकि 25 पैसा आप रखेंगे तो आपके ऐड अप्रूव हो जाएंगे ईजिली और जल्दी। उससे कम करेंगे तो वो, मतलब जनरली मैंने देखा नहीं है कि वो बहुत टाइम लगाते हैं अप्रूव करने में। अब आपका वीडियो कौन सा प्रमोट करना है, तो अच्छा एक मिनट, मुझे ये वाला वीडियो प्रमोट करना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, गेट शेयरेबल लिंक करूँगा और फिर इसको यहाँ पे डाल दूँगा। तो ये मेरा ऐड आ गया। अब आ जाइए कौन सा ऐड बनाना है, स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड या वीडियो स्ट्रीम ऐड। तो भाई स्किपेबल ऐड मैंने आपको बताया, जो देखिए देखिए स्किप ऐड आ जाता है इसके अंदर, ये स्किप ऐड आ गया। कोई भी वीडियो चलेगा तो ऐसे करके रन करता है, जो 30 सेकेंड का ऐड जो चलता है, किसी ने स्किप कर दिया तो आपका मतलब स्किप हो जाएगा ऐड, वरना क्लिक क्लिक कर दिया तो उसमें आ जाएगा, और पूरा ऐड देख लिया तो व्यू काउंट हो जाएगा। तो ये वाला ऐड जनरली मैं नहीं करता हूँ, वीडियो डिस्कवरी ऐड करता हूँ। वीडियो डिस्कवरी ऐड जिसके बारे में मैंने आपको वो बताया भी, जो सर्च रिजल्ट्स में आता है और सजेशन में आता है वो वाला ऐड। तो अब यहाँ पे आप पे थंबनेल सेलेक्ट करने के ऑप्शंस आ जाएंगे, ये वाला थंबनेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। हेडलाइन आप क्या डालेंगे, तो हेडलाइन आप वो वाले टैग्स डालिए जो बहुत ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। जैसे ये मोटिवेशनल फिल्म है, तो मैं मोटिवेशनल फिल्म डाल लूंगा और उसका कीवर्ड प्लानर में जाके सर्च कर लूंगा कि सर्च वॉल्यूम कितना है, उसके बेसिस पे यहाँ पे मैं टैग डाल दूंगा। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन में हाउ जैसे इट कैन चेंज योर लाइफ, ऐसा कोई भी टैग, मतलब कीवर्ड प्लानर में जा जाके देख के मैं डाल दूंगा, जिससे मेरे मैक्सिमम चांसेस हो सजेशन में जाने के, ऐड मेरा फीचर होने के। और फिर यहाँ पे डाल दूंगा मस्ट वॉच, ऐसा कुछ भी डाल दूंगा, ऐसे टैग डाल दूंगा 3। तो ये हो गया इसका वो। अब ऐड नेम, मुझे अपने ऐड का क्या नाम रखना है, वो 3 ऑप्शन थे शुरू में होम पेज में दिखाए, उसमें से तीसरा ऑप्शन ये है, तो मैं इसमें डाल दूंगा सुपरमैन डाल दिया जैसे मैंने, तो ये सुपरमैन डिस्प्ले होगा एड्स के अंदर। अब आ जाइए एड्स कैसे दिखेगा, तो डेस्कटॉप में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, मोबाइल में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, डेस्कटॉप में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। और ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ऐसे दिखेगा,
ये जो मस्ट वॉच है और इट कैन चेंज योर लाइफ, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डिस्क्रिप्शन की, ये जस्ट इसके नीचे आती हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये हो गया आपका वीडियो डिस्कवरी एड, ठीक है। अभी अब देखिए, आपने जो CPV सेलेक्ट किया था और आपने जो भी बजट सेलेक्ट किया था उसके बेसिस पे ये सारे इसने मुझे बताया कि इतना भाई इतना व्यूज़ आ सकते हैं एक दिन के अंदर, और इतना इम्प्रेशन आपको मिल सकता है, इतना एवरेज CPV आपका पड़ सकता है, इतने पैसे से इतने पैसे, और ये बजट आपका स्पेंड होगा। तो ये सारी हो गई डिटेल्स। आप क्रिएट कर दीजिए कैंपेन। कैंपेन मैंने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई, ये कंटिन्यू टू कैंपेन कर दिया। तो ये आपका हो गया कैंपेन क्रिएट, ठीक है। अब आ जाइए, मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि भाई कैसे क्या क्रिएट हो गया है। अब देखिए, जो आपने क्रिएट किया था वो था फर्स्ट वन। मैं सबसे पहले तो इसको पॉज कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि रिव्यू हो जाए, मुझे ऐड रन नहीं करनी, क्या पता रिव्यू हो जाए। तो ये फर्स्ट टैब है कैंपेन्स, यहाँ पे आपको सारी कैंपेन्स दिख जाती हैं जो जो आपने चलाई हैं। मैंने ये सब टेस्ट के लिए चलाई थी, देखिए जीरो इम्प्रेशंस हैं, ये सब एड्स ऐसे ही हैं। मैं देख रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मुझे ये सब चीज़ें समझ में आई। फिलहाल मेरी दो कैंपेन चल रही हैं, एक ये GNC वाली चल रही है और एक ये टायर पुशअप चल रही है। तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा धीरे धीरे कि क्या होता है। पहले आपको दिखा देता हूं कि फर्स्ट वन जो क्रिएट किया था वो ये, अब इस पर क्लिक करोगे आप तो ऐड ग्रुप्स खुल जाएगा। ये आपने सेकेंड नेम जो दिया था फर्स्ट वन, ये रहा। यहाँ पर आपको मैक्सिमम CPV आपका दिख जाएगा। फिर फर्स्ट वन पे क्लिक करेंगे तो आपको अंदर जाके आपका ऐड दिख जाएगा, जो कि ये है। क्योंकि मैंने पॉज किया हुआ है तो कैंपेन पॉज आ रहा है, वरना आपके में अभी अंडर रिव्यू आएगा। और अगर अप्रूव हो जाता है तो कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी डिटेल्स है इसकी। अब आ जाइए, जैसे मेरी ये टायर पुशअप की कैंपेन चल रही है तो मैं इसमें जाऊँगा। अब मैं इसमें चला गया टायर पुशअप में। अब देखिए, ये ऐड ग्रुप्स खुल गया, ऐड ग्रुप्स में टायर पुशअप नाम है। मैक्सिमम CPV मेरा 8 पैसे मैंने रखा है। इनिशियली मैंने 25 पैसे रखा था, फिर उसको कम करता गया। आपको कैसे CPV कम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले आप 25 पैसे रखिए, फिर क्योंकि रखा हुआ है आपका अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये CPV जो है इसको घटाते जाना है। अब आप 15 पैसे करेंगे, फिर आप उसके बाद 50-60 व्यूज़ और आने दीजिए, फिर उसको आप 15 पैसे से 10 पैसे कीजिए। क्योंकि आपके ऐड में, अभी जो मैंने ऐड क्रिएट किया था उसमें एवरेज CPV जो मिनिमम वाला दिखा रहा था वो 9 पैसे दिखा रहा था, तो आप कभी भी 10 पैसे से कम मत कीजिएगा अपनी ऐड को। 2 पैसे ज़्यादा ही रखिए, मैं तो कहूँगा 11 पैसे से कम मत करना, तभी आपके व्यूज़ जो हैं अच्छे आएंगे। इसमें मेरा 6 पैसा आ रहा था मिनिमम CPV, इसलिए मैक्सिमम CPV 6 पैसा आ रहा था, मतलब वो सॉरी एवरेज में 6 पैसा मिनिमम आ रहा था मेरा, इसलिए मैंने इसको 8 पैसा रखा है, 2 पैसे ज़्यादा रखा है। इसीलिए मुझे अच्छे खासे व्यूज़ भी मिल रहे हैं और इम्प्रेशंस भी मिल रहे हैं। अब आ जाइए, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड खुल जाएगा। अब देखिए, ऐड की डिटेल्स मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ऐसे अप्रूव्ड आ जाएगा वहाँ पर, अंडर रिव्यू की जगह जब अप्रूव होगा। अब आ जाइए, इम्प्रेशन देखिए, ऑलमोस्ट 60,000 इम्प्रेशन है। व्यूज़ जो हैं 5,382 हैं और व्यू रेट है 8.98%। एवरेज CPV 7 पैसा है। कॉस्ट जो है मेरी वो है 370 रुपये मुझे पड़ी है। अर्नड व्यूज़ है 159। अब मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताता हूँ। देखिए, इम्प्रेशन क्या होता है, कितने लोगों को ऐड दिखाई, व्यूज़ क्या होता है, कितने लोगों ने ऐड देखी, व्यू रेट क्या है, ऑलमोस्ट 9% है। मतलब व्यूज़ डिवाइड बाय इम्प्रेशन इंटू 100 करेंगे तो व्यू रेट आ जाएगा। मतलब कि इतने लोगों को दिखाने में इतने व्यूज़ मिले, उसका ये व्यू रेट का परसेंटेज है। अब आ जाइए, CPV की बात करते हैं। एवरेज CPV मुझे 7 पैसा पड़ा एक ऐड का। कॉस्ट, क्योंकि मैंने 8 पैसा डाला था तो CPV घटता बढ़ता रहता है, तो 8 से कम ही मुझे देना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी 6 हो जा रहा है, कभी 7 हो जा रहा है, कभी 8 हो जा रहा है, तो एवरेज मुझे 7 पैसा पड़ रही है। अब कॉस्ट क्या है, 370 रुपये में मुझे 5,382 व्यूज़ मिल गए, तो ऑलमोस्ट 500 रुपये अगर मैं खर्च कर दूंगा इस पर तो मुझे 7,000 के आसपास व्यूज़ मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है। अब अर्न व्यूज़ क्या होता है, मैं आपको अर्न व्यूज़ बताता हूँ। अर्न व्यूज़ होता है कि आपके वीडियो को देखकर आपके दूसरे वीडियो को उसी वीडियो के थ्रू किसने देखा, या फिर लाइक किया, या फिर उससे कुछ भी अर्न चीज़ करी, मतलब उसको शेयर कर दिया या चैनल सब्सक्राइब कर दिया, कुछ भी आपके चैनल पे एक्टिविटी होती है उस वीडियो के थ्रू, तो वो होता है अर्न व्यूज़। तो 159 मुझे अर्न व्यूज़ मिले, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा है।
क्योंकि इस बंदे ने मेरी जो भी है दो बार मेरी चैनल पे एक्टिविटी कुछ करी, तो ब्राउजिंग फीचर की हेल्प से इसको मेरा अगला वीडियो ज़रूर दिखाई देगा। अब आ जाइए अर्न लाइक्स, यानी कि 29 लाइक लोगों ने किए हैं इस वीडियो के थ्रू। अब अर्न प्लेलिस्ट एडिशंस, ये बहुत अच्छा है, 7 लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट जो है, मेरी वीडियो जो है अपनी प्लेलिस्ट में डाल ली। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई जब भी कोई उनकी प्लेलिस्ट रन करेगा तो मेरी वीडियो रन होगी, मेरी वीडियो भी रन होगी, मेरी वीडियो रन होगी, तो नेचुरल सी बात है मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, तो ये मेरे लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब अर्न सब्सक्राइबर्स, 1 से 20 ये तब दिखाता है जब 100 से कम सब्सक्राइबर आपने गेन किए होते हैं। 100 से ज़्यादा करेंगे तो ये मेट्रिक शो करने लगेगा कि भाई 101, 102, 103 कितने हुए हैं सब्सक्राइबर्स। बट मैंने जो नोटिस किया था तो मेरे 18-20 सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। तो ये सब था अर्न का कमाल। अब आप देखिए, सिर्फ व्यूज़ का खेल नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि व्यू रेट का भी है, व्यूज़ का भी है, साथ में अर्न व्यूज़ का भी है, अर्न लाइक्स का भी, अर्न सब प्लेलिस्ट एडिशंस, अर्न सब्सक्राइबर। तो ये आज आपकी हेल्प करे ना करे, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी बाद में फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो ये सब जो है प्रोसेस था गूगल ऐड क्रिएट करने का, और मैंने आपको बताया कि CPV जो है आप कैसे करके मिनिमाइज़ करेंगे ताकि आपके व्यूज़ ज़्यादा आ सकें। तो आपको वो प्रोसेस एग्जैक्टली फॉलो करना है और कोशिश करनी है कि जो मिनिमम CPV जितना भी आपका दिखा रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही आप CPV रखें। मतलब अगर 7 दिखाया है लो में तो 9 रखें, और अगर 9 दिखाया था जैसे इस वीडियो में जो मैं क्रिएट कर रहा था, तो आपको 11 पैसे रखना है मिनिमम, और धीरे धीरे ही उसको घटाएं, एकदम से मत घटा दें क्योंकि ऐड रन करना भी बंद हो सकता है। तो गाइज ये प्रोसेस था ऐड क्रिएशन का, और ये सारे टैब्स थे। अच्छा एक बात और, आप ये ओवरव्यू में जाके, जैसे ये वाला ऐड सिलेक्टेड था तो ओवरव्यू में जब आप क्लिक करेंगे तो इसका पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। तो ये आपके काम की चीज़ है। आवर में जाइए, आवर में जाके व्यूज़ देख लीजिए, कौन से आवर में कितना व्यूज़ आए हैं, और जो भी आए हैं जब भी आए हैं, जैसे मेरे 404 आए हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा, ये 433 सबसे ज़्यादा, आप देख लीजिए क्या टाइम पे आए हैं, 4 से 5 बजे आए हैं। तो 4 से 5 बजे कोशिश कीजिए जाके आपका, मैं बताता हूँ, 4 से 5 के बीच में आप जाके आपका जो बजट है, एक मिनट, ये बजट है ना जो आपका टायर पुशअप का, इसको एडिट करके बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप बढ़ाएंगे तो आपके और ज़्यादा व्यूज़ आने के चांसेस होंगे। तो वहाँ पे जाके आप बजट को और थोड़ा बढ़ा सकते हैं, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, वरना नहीं बढ़ाना चाहते तो भी आपका ऐड अच्छा खासा रन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस मैं तो ऐसे करके आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं, तो ऐसे करके आप लोग यूट्यूब पे ऐड क्रिएट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐड तो क्रिएट हो गई, लेकिन मोनेटाइजेशन में कैसे हेल्प मिलेगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जान लीजिए इंप्रेशन, व्यूज़ और व्यू रेट क्या होता है। इंप्रेशन होता है कितने लोगों को गूगल ने आपकी ऐड दिखाई, व्यू रेट होता है कितना परसेंटेज लोगों को दिखाई, और व्यूज होता है कितने व्यूज आपको मिले। अब व्यू रेट कैसे कैलकुलेट होता है, 100 इंप्रेशन आए, 10 व्यूज है, तो 10% आपका व्यू रेट हो गया। अब आप कहेंगे व्यू रेट से क्या हेल्प मिलेगी, तो भाई व्यू रेट से बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि व्यू रेट जो है वो परसेंटेज है कि कितने लोगों ने आपकी ऐड देखी, यानी कि आपकी थंबनेल पे क्लिक किया। तो आपको थंबनेल में बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। अब आप कहेंगे कि कैसे भाई, कैसे पता लगाया जाए कि कितना व्यू रेट परसेंटेज जो है वो अच्छा है। तो YouTube भी कहता है कि 15% के ऊपर व्यू रेट नहीं जाता। जनरली कोई वीडियो वायरल हुआ है या बहुत पॉपुलर है तो ही व्यू रेट 15% के ऊपर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो आप कहेंगे कि कितने परसेंटेज में हम सोचे कि भाई हमारा थंबनेल अच्छा है, तो भाई 8 से 12% के बीच में आपका है तो डिसेंट टू अट्रैक्टिव थंबनेल है, यानी कि ऐसा कुछ थंबनेल आपको फ्यूचर के कंटेंट में भी रखना है, इससे नीचे आपको नहीं जाना है। तो ऐसे करके आपको फ्यूचर में हेल्प मिलेगी, क्योंकि थंबनेल पे क्लिक होगा तो व्यूज बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे तो वॉच टाइम बढ़ेगा। तो ये हो गई एक बात। अब बात आती है वॉच टाइम की। भाई सपोज कीजिए 1000 लोगों ने आपकी ऐड देखी है, 1000 लोगों ने, एवरेज वॉच टाइम पकड़ लीजिए 1-1 मिनट हुआ, तो आपको जो 4000 मिनट आपका वॉच आवर्स हो, वॉच टाइम हो गया। तो 4000 मिनट जो आपको मिले हैं, 1000 मिनट जो आपको मिले हैं वो आपके इधर ऐड नहीं होंगे। तो आप कहेंगे फिर क्यों हेल्प मिल रही है। भाई ऐसे हेल्प मिल रही है कि आपको एवरेज वॉच टाइम आपका पता चल गया,
है ना, एवरेज वॉच टाइम आपका 1 मिनट। सपोज कीजिए आपकी वीडियो 10 मिनट की थी, अब 10 मिनट की वीडियो में आपको एवरेज वॉच टाइम 1 मिनट मिल रहा है, तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कॉन्टेंट जो है वो एवरेज है। मतलब बुरा भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। बुरा कॉन्टेंट तब होगा जब आपका एवरेज वॉच टाइम 30 सेकेंड से भी कम हो गया। तो अगर आपको लगता है कि आप इससे बेहतर कॉन्टेंट आगे क्रिएट कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, वरना ये एवरेज वॉच टाइम माना जाएगा। तो इससे आपको फ्यूचर में कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि वॉच आवर्स हमको 4000 घंटे चाहिए। तो सीधी सी बात है, कंटेंट इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जो 10 मिनट की वीडियो है उसमें एटलीस्ट एवरेज वॉच टाइम जो है वो 2 से 3 मिनट तो आए ही आए। तो ऐसे आपको वॉच टाइम हेल्प कर सकता है। अब आती है बात कि भाई व्यूज का क्या खेल है। ठीक है, जो व्यूज यहाँ पे मिले हैं उससे तो कोई फायदा नहीं हो रहा। अब मैं आपको बताऊंगा मेन बात कि भाई इस व्यूज से आपको बहुत फायदा होने वाला है। वो कैसे? देखिए, ब्राउजिंग फीचर क्या होता है? ब्राउजिंग फीचर होता है कि आपकी एड पिछले 1 महीने में कितने लोगों ने देखी है। सपोज कीजिए आपको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ किसी ने, उसने आपकी वीडियो देख ली, तो ब्राउजिंग फीचर का मतलब ये है कि भाई आप जो नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करोगे उसके देखने के बाद जो भी वीडियो अपलोड की होगी आपने वो उसके होम पेज पे आएगी। ये ब्राउजिंग फीचर है। मतलब कि उसने आपको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ फिर भी उसकी वॉल पे आपकी पोस्ट दिख रही है, जो होम पेज आप सबसे पहले यूट्यूब का चलाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्लिक करने के चांस बढ़ जाएंगे, तो ऐसे आपका व्यू जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे करके ये आपकी हेल्प कर सकता है। अब यहां पे आपने एड क्रिएट किया, इससे आपको कंटेंट में मदद मिली, थंबनेल में मदद मिली, और तीसरी बात आपको ब्राउजिंग फीचर की हेल्प भी मिली। मतलब आपका मैक्सिमम लोगों तक पहुंच रहा है। सपोज कीजिए अब आपके चैनल के सब्सक्राइबर सपोज कीजिए 300 है, ठीक है, तो आपकी रीच कितनी हुई? 300। जरूरी तो नहीं है कि यूट्यूब सर्च बार में सर्च करने पर आपका वीडियो टॉप पे ही आ रहा है। जरूरी नहीं है कि आपका वीडियो सजेस्टेड वीडियो में जा रहा है। मतलब किसी और की वॉल की जो वीडियो है उसको चलाएंगे तो आपका सजेस्टेड वीडियो में आ रहा है। तो ये चीजें जरूरी नहीं है, ये आपके हाथ में भी नहीं है। टैग्स लगा लीजिए कितने भी, आजकल सब लोग टैग्स लगा रहे हैं, वो बहुत रेयर होता है कि किस्मत से किसी का आ गया। आप SEO की हेल्प लीजिए, कितना भी कीजिए, बहुत मतलब मिनिमल चांसेस होते हैं क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहां से आप लोग इस चीज से बच सकते हैं, समझिए इस बात को। अब आपके 300 सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 300 लोगों को ही ब्राउजिंग फीचर की हेल्प से उनकी वॉल पर दिखेगा। 300 लोगों ने, मैं मान लेता हूं कि 300 लोगों ने आपका 1 महीने में वीडियो देखा है, जो कि होता नहीं है। 300 अगर सब्सक्राइबर है तो 50-60 लोग ही देखते हैं 1 महीने के अंदर आपके वीडियो, तो वो जो 50-60 लोगों ने देखा है उन्हीं की वॉल में आएगा ब्राउजिंग फीचर से। लेकिन जब आपने एड क्रिएट कर दिया, अब इस एड क्रिएट करने की हेल्प से ऐसा होगा कि भाई 1000 व्यूज जो आपको मिले हैं, आपका रीच कितना बढ़ गया? 1000 लोगों ने आपकी एड देखी, उन 1000 के 1000 की वॉल पे आएगा। अब वो उनके ऊपर है वो क्लिक करेंगे कि नहीं करेंगे, आपका थंबनेल कितना अट्रैक्टिव है, आपका कंटेंट कितना क्रिएटिव है, इस बात को समझिए। तो वो आपको व्यू रेट से थंबनेल पता चल जाएगी, कंटेंट आपको पता चल जाएगा, आपका एवरेज वॉच टाइम से। तो जो नेक्स्ट वीडियो आप बनाने वाले हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, और आपका व्यूज भी बढ़ जाएगा और आपका वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा। ऐसे करके आप 4000 वॉच आवर्स अगर प्रॉपर वे में वर्क करके चलेंगे तो इजिली अचीव कर लेंगे। तो गाइज, ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। उम्मीद है आपको हेल्प मिली होगी, और मैंने कोशिश की कि सारे जो पार्ट्स हैं मैं कवर कर सकूँ इस वीडियो के अंदर। और हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया था, ये भी बता देता हूँ कि भाई देखो, अब ब्राउजिंग फीचर से लोगों की वॉल पे ऐड आई। अब सपोज कीजिए आपने वो कॉन्टेंट भी अच्छा बना लिया, थंबनेल भी अच्छा बना लिया, लोगों ने वो क्लिक करके देख लिया, 1000 में से मैं कह रहा हूँ 100 लोगों ने भी देखा, तो अगर वो 100 लोगों ने इस बार आपने फिर 10 मिनट का वीडियो बनाया और इस बार सपोज कीजिए 3 मिनट एवरेज वॉच टाइम आ गया, आपका कंटेंट अच्छा था, 3 मिनट लोगों ने एवरेज वॉच टाइम आपको दे दिया, तो मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि सर्च रिजल्ट में भी आपका वीडियो ऊपर आ जाएगा, टॉप 20 में तो आ ही जाएगा, और सजेस्टेड वीडियो में भी दिखाने लगेगा। क्योंकि गूगल का यूट्यूब का एल्गोरिथम कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन हाँ, इतना मैंने रिसर्च से पता लगाया, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोस भी ऐसे करके आने लगे हैं जिनका वॉच टाइम अप है। आप नीचे जाके मेरे वीडियोस चेक भी कर सकते हैं, बहुत सारे पी प्रोटीन आइसोलेट का आप मेरा कभी भी सर्च करके देखिए सर्च बार में, तो वो टॉप पे आएगा, टॉप 4-5 में आ जाता है। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं जो टॉप आ जाते हैं क्योंकि उनका एवरेज वॉच टाइम ज़्यादा है। तो आप समझिए कि आपके 100 व्यूज़ आ गए हैं, एवरेज वॉच टाइम आपका 3 मिनट है,
तो आपका जो वॉच आवर्स हुए वो आपके ऑलमोस्ट 300 मिनट हो गए, तो वो आपके वॉच आवर्स में ऐड हो जाएंगे मोनिटाइजेशन के लिए। अब आती है बात कि भाई अब आपका एवरेज वॉच टाइम 3 मिनट हुआ है ना, तो इसका मतलब है आपका वीडियो जो है वो अच्छा माना जा रहा है, यूट्यूब के एल्गोरिथम में डिसेंट माना जा रहा है। तो अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो आपका वीडियो है वो सजेस्टेड वीडियोस में आएगा। अब आपको क्या करना है, जिस भी बंदे के यूट्यूब चैनल में वो सजेस्टेड वीडियोस में आपका वीडियो आ रहा है वो आपको यूट्यूब एनालिटिक्स के थ्रू पता चल जाएगा। सजेस्टेड वीडियो में आया, आप जाइए उसके चैनल में, उसके चैनल में देखिए उसने कौन कौन से वीडियो बनाए हैं। अब पूरी डिटेल्स लीजिए कि भाई कैसे कैसे वीडियो बना रहा है और क्या बना रहा है। अब आपको क्या करना है, अगर आपकी कैटेगरी और उसकी कैटेगरी सेम है तो आप उसके जैसा सिमिलर कुछ भी कंटेंट बनाइए, मतलब ऑब्वियसली उससे अच्छा बनाइए लेकिन उसी से मिलता जुलता बनाइए और उसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल्स दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके जो जो भी आप नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं उसको बहुत हेल्प मिल जाएगी, वो भी आपका उसके सजेशन में चला जाएगा, यानी कि उसके सजेस्टेड वीडियोस में आ जाएगा। और अगर वो उसके सजेस्टेड वीडियोस में आ गया तो आपकी जो रीच है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यही तरीका है कि आप मैक्सिमम रीच कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली तो आपके वॉच आवर्स गूगल एड से नहीं बढ़ने वाले, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। अब आप क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है तो मैक्सिमम लोगों तक आप सोचेंगे कि व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू आप लोग रीच बढ़ाएंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता। वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपका वीडियो वाकई में एकदम वायरल हो गया, लेकिन मतलब उसकी कोई गारंटी तो नहीं है। तो इसीलिए आप गूगल ऐड से गूगल ऐड क्रिएट कीजिए, ज़्यादा पैसे मत इन्वेस्ट कीजिए, 500 1000 रुपये कीजिए। 500 रुपये में आपको 2500 3000 कई बार 5000 व्यूज़ भी मिल जाते हैं, वो आपके लक के ऊपर है और आपका कंटेंट कैसा है और आपने कैसे टैग सेलेक्ट किया उसके ऊपर है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, इससे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑडियंस कैप्चर कर पाएंगे। अब वो 2500 3000 आप सपोज कीजिए 500 रुपये आपने लगा दिए, 3000 लोगों ने देख लिया, 3000 लोगों ने देखा तो आप समझ रहे 3000 लोगों की वॉल पे जाएगा आपका अगला वीडियो, कॉन्टेंट अच्छा हुआ। 3 मिनट का एवरेज वॉच टाइम पकड़ लीजिए आप, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट भी आप पकड़ लीजिए एवरेज वॉच टाइम, कि आप नहीं बना पाए उतना बेहतर लेकिन 2 मिनट एवरेज वॉच टाइम का आपने बना लिया। और सपोज कीजिए उन 3000 में से 1000 लोग आपका देख लेते हैं क्योंकि आपका थंबनेल अट्रैक्टिव था, और वही लोग आपका वीडियो देखेंगे ना जिन लोगों को आपके वीडियो में इंटरेस्ट होगा, थंबनेल में इंटरेस्ट होगा, यानी कि आप जो अगला कंटेंट बनाएंगे सिमिलर सही बनाने वाले, तो ऑब्वियसली उन लोगों का वो इंटरेस्ट होगा ही होगा, मैक्सिमम चांसेस है। तो उन 1000 लोगों की ब्राउजिंग फीचर से उनकी वॉल पे आएगा, वो लोग देखेंगे। तो 1000 × 2 मिनट आप कर लीजिए, 2000 मिनट आपको और मिल गए, ऐसे करके आप ग्रो कर सकते हैं। यही एक तरीका है जो जेन्युइन तरीका है ग्रो करने का, भले डायरेक्टली गूगल एड्स हेल्प नहीं कर रहा लेकिन इनडायरेक्टली बहुत हेल्प कर रहा है। तो मोनेटाइजेशन देखिए, डायरेक्ट 4000 घंटे तो आप नहीं ले सकते गूगल एड्स से, लेकिन इनडायरेक्टली आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, उम्मीद है आपको अच्छा ही लगा होगा, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ एक और बात, अगर आपको फिटनेस से रिलेटेड कोई भी टिप्स चाहिए या आपको वर्कआउट जानने हैं कि भाई कैसा वर्कआउट किया जाए या घर के अंदर या कुछ भी उससे रिलेटेड आपको डिटेल चाहिए, अलग अलग तरीके के वर्कआउट देखने, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे बहुत सारे वर्कआउट से रिलेटेड वीडियोस हैं, सप्लीमेंट्स के बारे में डिटेल्स हैं कि भाई कौन सा सप्लीमेंट कैसा है, कौन सा प्रोटीन कैसा है, BCAA कैसा है, प्री वर्कआउट कैसा है, तो वो भी आपको हेल्प नीचे जाके मिल सकती है। और एक और बात, अभी मैंने रिसेंटली एक घर के अंदर मोटिवेशन के ऊपर वीडियो बनाया था, देर इज़ अ सुपरमैन इन यू। तो बेसिकली मैं पूरी दुनिया को मोटिवेट करना चाहता हूँ, कोशिश तो यही है। अभी यहाँ पे भी उन लोगों को मैंने मोटिवेट करने की कोशिश की जो लोग मेरी तरह मोनिटाइजेशन करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। तो ये वीडियो हर किसी इंसान के लिए है जो इस वक्त कोरोना से मतलब दिक्कत है उसे, और मतलब घर के अंदर कैद है लेकिन बाहर निकलना चाहता है, लेकिन हाँ हम लोगों को साथ मिलके ये लड़ाई लड़नी है। तो मेरा काम है मोटिवेट करने का, सो आई एम ट्राइंग टू मोटिवेट यू ऑल। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया, और वो देयर इज़ अ सुपरमैन इन यू वाला वीडियो ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिट रहो, हिट रहो।